ऋषभ भाई को हो रहा है गर्म, तो इन्होंने अभी अपर डाल लिया है ओए। वगैरह ना, एकदम ग्रीन हो रहे हैं और उधर साइड बादल वगैरह लगे। वेलकम टू आवर चैनल आरएस ग्रुप उत्तराखंड, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज ऋषभ और मैं जा रहे हैं धाकुड़ी। ये धाकुड़ी की एक पूरी सीरीज होने वाली है, चार व्लॉग्स की, मोस्टली चार होंगे, अगर पांच भी हो सकते हैं, बट वैसे हमने चार डिसाइड किए हुए हैं। आज हम जा रहे हैं फिलहाल नैनीताल से बागेश्वर। जी फाइनली हम निकल चुके हैं नैनीताल से, और भाई क्या लग रही है वैंगर अपनी बीस्ट। ये देखो वैंगर तगड़ा लग रहा है भाई, तगड़ा। हम बने भी आज तो सेम है वैंगर। हमने कर दी अपनी राइड स्टार्ट कैलाकान से, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से भवाली को। जो लोकेशन है कैलाकान वाली ना, इससे इसलिए ब्यूटीफुल लगती है क्योंकि अभी आप थोड़ा सा एक दो बैंड नीचे और हम चलेंगे तो इसके सामने वाले जो पहाड़ है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पहाड़। तो जी मैं जो बात कर रहा था वो इन पहाड़ों की बात कर रहा था, ये देख पा रहे होंगे आप, ये बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े पहाड़, क्या मैसिव पहाड़ है। कितना उसमें डिजाइनिंग देखिए, वो लाइन्स वगैरह कितनी अच्छी पड़ी है। सो भाई ऋषभ भाई जा रहे हैं यहाँ पर से आगे से, और क्या लग रहे हैं भाई कपड़े दोनों भयंकर, आज तक तो बने भी हम सेम है बिल्कुल। तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं भवाली, और यहाँ से हमने ले लिया लेफ्ट जो जाता है अल्मोड़ा बागेश्वर और आगे को, और वो राइट वाला जाता है भीमताल। तो चल दिए हैं हम लोग, और मुझे भी फ्यूल अप करवाना है। थैंक यू भैया। सो जी 720 का कुछ आया ऑयल, 7.5 कुछ, मतलब 7.5 लीटर। चलें सर। तो 7.5 लीटर करीब आया तो ठीक है, इतना तो बहुत रहता है, मतलब बागेश्वर तो आराम से पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे अगर वहां ज़रूरत पड़ेगी तो वहां फ्यूल अप करवा लेंगे। सो जी फाइनली हम पहुंच गए कैंची धाम, और ज़रा अभी जाएंगे हम दर्शन करने एक बार अंदर। आ गए फाइनली कैंची धाम दर्शन करने। मैं तो इस बीच बहुत आ गया हूँ, 3-4 बार आ गया हूँ। ऋषभ भाई अभी कुछ टाइम पहले आए हुए थे राती घाट वाला एरिया, और अभी हम यहाँ से 10 किलोमीटर अराउंड होगा खैरना शहर, 10 या 5, छोटी सी एक ऑफ रोड। एक्चुअली ये रूट में काफ़ी ऐसा रहता है, कहीं बहुत जगह ख़राब है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ बीच बीच में ऐसे पैच जरूर मिलेंगे आपको। जी ये एरिया है खैरना, ये नैनीताल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी यहाँ से एक डाइवर्जन जाता है जो एक जाता है रानीखेत होते हुए, और दूसरा जो जाता है वो जाता है बागेश्वर अल्मोड़ा। ओ जी जो लेफ्ट रूट जो जा रहा है ये जाता है रानीखेत को एक ब्रिज वाला, और जो सामने जो है वो जाएगा अल्मोड़ा को, तो हमें निकलना है सामने वाले में। तो ये रूट जो जा रहा है ये जाएगा सीधे अल्मोड़ा को, और वो वाला जाता है रानीखेत। रानीखेत से भी आप कौसानी होते हुए जा सकते हैं वहाँ को, घटना से लेके सुयाल बड़ी एक जगह पड़ती है, वहाँ तक का रूट अभी बहुत अच्छा बन गया है यहाँ पर। भाई यहाँ देखो कितना भयंकर ये हुआ है रूट, अभी तो फिर भी इन्होंने सही कर दिया है, बट लास्ट टू लास्ट ईयर जो 2021 में एक अक्टूबर में बारिश हुई थी ना, उस टाइम पे पूरा ख़राब हो गया था रास्ता, जितना देखो इतना डेंजर लग रहा है। ये अपने ऋषभ भाई आते हुए, गया था भाई वो भाई। ये डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है, स्टेप है ना वो सीढ़ियां हैं तो उस पर बनाई हुई छत। तो गाइस यहाँ एक्चुअली अभी बीच बीच में ना ऐसे थोड़े से अभी पैच ऐसे ही हैं जो सही नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट रूट ठीक हो गया है। शायद ये भी इसको भी करेंगे, खोदा वगैरह तो है इन्होंने। ये एक्चुअली रोड बहुत पतला था, तो इन्होंने जो साइड के मेरे जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ को, तो दुकानें हैं बाकी साइड जो पहाड़ हैं उनमें इन्होंने काट के उनको रोड को चौड़ा किया हुआ है। तो ये यहाँ को शायद अभी दुकानें वगैरह हैं, देखो यहाँ भी काम चल रहा है, जैसे इन्होंने ऐसा एक खोद रखा ना तो ये इतनी चौड़ी होंगी, और इधर देखो इन्होंने घर वगैरह भी शायद तोड़े हुए हैं, तो ये सब पूरी रोड चौड़ी हो जाएगी। तो बीच के कुछ कुछ पैच जो हैं ये भी ख़राब हुए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब 100 मीटर 200 मीटर 1/2 किलोमीटर, बाकी ऑलमोस्ट पूरा रोड सही हो चुका है। ये कीचड़ आज का जो हमारा रूट होने वाला है ना, वो मैक्सिमम हमें मतलब सही रोड ही मिलेगी,
और कल शायद हमें थोड़ा ठीक होगा और थोड़ा ख़राब होगा। यहाँ पर बारिश हुई थी कुछ टाइम पहले तो थोड़ा धीरा गिरा था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर धूल वगैरह देखो मिट्टी हो गई है, बहुत ही बिल्कुल मिट्टी। ये मटमैला रास्ता उसका भी जब तक पूरा बनेगा नहीं ना तब तक थोड़ा 20-20 के पैसे ऐसे रहेंगे और इसमें धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाएगा आपका मुक्तेश्वर, ये जगह का नाम है क्वारक। अगर आप सीधे जाएंगे तो आप मुक्तेश्वर को चले जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट को आते हैं तो ये जाएगा अल्मोड़ा को, और हमने जाना है लेफ्ट अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद ही बागेश्वर को। यहाँ पर अभी शायद ये नया ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, ये वाला थोड़ा सा ख़राब होने लग को कंडीशन में है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ से है जी 13 किलोमीटर अल्मोड़ा। ये रूट भी अच्छा है यार अल्मोड़ा वाला ना, ये भी 12-13 किलोमीटर का जो रूट है बड़ा बहुत ही सुंदर पैच है ये भी। ये जी सो हमारा ब्रेक है पहला, यहाँ पर वाला दूसरा ब्रेक लोधिया पे। भैया मैगी मिल जाएगी, 2 मैगी कर दीजिए और 2 चाय कर दीजिए। हाँ वेज मैगी। तो जी अभी हम आए हुए हैं लोधिया, और यहाँ से अल्मोड़ा कुछ 7-8 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी हम इधर मैगी वगैरह खाना है, मैगी और चाय यहाँ पर बड़ी टेस्टी बनती है तो वो खाते हैं और फटाफट फिर निकलते हैं। को फाइनली अपनी आ गई मैगी और चाय, अब बस खाते हैं। खा रहे थे मैगी और चाय वगैरह, अब हम जा रहे हैं ऊपर अल्मोड़ा को। अभी बहुत बची हमारी जर्नी। सो जी यह करबला राइट साइड वाला भी जाता है रास्ता, ये धारनोला होते हुए, और यही वाला जागेश्वर और पिथौरागढ़ जाता है, और जिसपे हम आए हैं लेफ्ट वाला ये जाएगा आपका मेन अल्मोड़ा सिटी में, और वहीं से फिर हम बागेश्वर को निकल जाएंगे। ये वहाँ सामने मेरे हिमालयाज हैं, बहुत दूर होंगे, हल्के छोटे छोटे दिख रहे होंगे जहाँ बहुत सारे क्लाउड्स वगैरह हैं। लेफ्ट में जो आप रूट देख रहे हैं ना, ये जाता है इधर कॉलेज में, जो अल्मोड़ा का कॉलेज है। यहाँ पर ही मेन मार्केट है पूरी अल्मोड़ा की, आगे बस स्टेशन भी इधर ही है, और ये अल्मोड़ा वाल बसा हुआ है। ऋषभ भाई को हो रहा है गर्म, तो इन्होंने अभी ये अपर डाल लिया है। मजाक कर रहा हूँ खाली, इनका यहाँ गर्म बहुत हो रहा है, इन्होंने ये फ्लीस उतार दी है और अब ये हल्का ही डाल लिया हवा के लिए। इसको खुला छोड़ देना हल्का हल्का ऊपर से, जहाँ पर गर्म होगा ना। और ये अपना रूट है, इधर से हमने जाना है, अभी हम यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता लेंगे। ये अल्मोड़ा की मार्केट में है हम, और ये लेफ्ट वाला जो रूट जा रहा है ना, ये भी आपका कौसानी भी जाता है और ताकुला होते हुए भी बागेश्वर जाता है, मतलब दोनों जाता है, लेकिन हम ये ले रहे हैं शॉर्ट वाला। ये मार्केट के बीच से निकलता है ऊपर को, और इसी में आपको आगे कसार देवी भी मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको पूरा रूट गाइड कर दूंगा। अल्मोड़ा वाले जो हैं देखो उनको तो क्लियर होगा ये आइडिया, बट कभी कभी जो नैनीताल में जो जिन्होंने नहीं देखा है, तो ये आप इस वाले रूट से भी जा सकते हैं, बस थोड़ा सा ये रूट पतला है और बट ठीक है, लेकिन अगर आप बाइकिंग करते हैं तो आप आराम से आ जाएंगे यहाँ पर, आराम से किसी से पूछ सकते हो, वरना एक ही सिंगल रूट आता है, उसके बाद जहाँ से डाइवर्जन है वहाँ पर मैंने शूट किया हुआ है, आपको समझ आ ही गया होगा। उसके आपने सीधा रूट रखना है, सीधा पकड़ना है, और ये आपको कसार देवी होते हुए एक जगह पड़ती है आगे कपड़ खान, ये रूट वहाँ कनेक्ट, ये रूट आके यहाँ से हम ले लेंगे राइट, और ये हम यहाँ से अगर आप लेफ्ट को जाएंगे तो बागेश्वर को चले जाएंगे जहाँ हमने जाना है, और राइट वाला जो अगर आप जाएंगे तो ये पिथौरागढ़ और जागेश्वर को जाएगा, और ये उसी रूट में कनेक्ट कर देगा। अगर आपको नैनीताल जाना है तो आप इससे भी जा सकते हैं, इसको धारनोला वाला कहते हैं रूट, वहाँ से जाके आपको राइट लेना है नीचे जाके। तो हमारी जर्नी हो गई यहाँ को शुरू बागेश्वर को। ये बेसिकली एक जो रूट है, इस रूट को कहते हैं हम ताकुला रूट, जो बौसानी रूट से थोड़ा सा शॉर्ट है, और रोड ये ठीक है, थोड़ा सा पतला रूट है, लेकिन रोड की कंडीशन आपको अच्छी मिलेगी, बट थोड़ा सा पतला रूट ज़रूर है ये, कहीं कहीं रोड बहुत पतली है और गाड़ियाँ कभी कभी एकदम से आ जाती हैं, तो थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर राइड करना होता है। ये देखिए सब आसपास के गांव हैं यहाँ पर अल्मोड़ा के, और उधर को रोड वगैरह जा रही है, सब कनेक्ट करता है, और हमने जाना है इस रूट में सीधे आगे को। वाला टेरेन मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, यहाँ से पूरे हिमालयाज दिखते हैं, अभी तो उधर का मौसम सही नहीं है ना, जहाँ क्लाउड्स वगैरह हैं, और बहुत ही प्यारे हिमालयाज दिखते हैं, थोड़े थोड़े पीक्स दिख भी रहे हैं यस। तो ये कसार देवी वाला पूरा एरिया है, और आपको यहाँ पर अगर रहने के लिए अगर आपको रेस्ट हाउस वगैरह आपको कुछ भी चाहिए तो यहाँ ईजिली अवेलेबल है। सो जी यह कसार देवी का मंदिर, यहाँ से जाता है रास्ता ऊपर को इस वाले ट्रैक पे, और हमें यहाँ से रोड बाय रोड निकलना है। देख सकते हैं यहाँ पर ना बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो
अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और बहुत ही मतलब हिमालयस के साथ व्यू, हिमालयस व्यू के साथ आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। मतलब देखिए एक फाउंडर ग्रुप भी यहाँ पर आया हुआ है, तो काफ़ी लोग इधर यहाँ पर मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत ही फेमस लोकेशन है ये। देखो भाई यहाँ रोड पे ना एक गड्ढा हुआ है, ये पहले पूरा नीचे चल गया था, अब शायद ये रिपेयर हो रहा है यहाँ पर। इसकी ये लोकेशन जो है ये है कफड़ खान, और इस रूट पे जिस एक तो हम रूट जिस रूट से आए, और एक और रूट जो मैं कह रहा था जो सीधे जाके कनेक्ट करता है वो ये लेफ्ट से मेरे आ रहा है, ये वाली भी इधर ही पे कनेक्ट करती है, और अभी हमें सीधे निकल जाना है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसको कहते हैं केराड़ गोलू देवता का मंदिर, से राइट लेके अगर हम जाएंगे तो मंदिर के अंदर का रास्ता जाता है और ये वाला, और हमें जाना है इधर लेफ्ट, वो कहते हैं पिंसर, और ये भी थोड़ा सा हाइट पर एरिया है और काफ़ी लोग यहाँ पर कैंप वगैरह करे आते हैं, मतलब लोकेशन बहुत अच्छी है। सो जी हम पहुँच गए हैं बसौली, ये एक छोटा सा गाँव है, ताकोला से पहले पड़ता है, वहाँ से आई गेस 7-8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कुछ, शायद 5 ही हुआ आई गेस ताकोला। सो जी फाइनली पहुँच गए हम ताकोला, और अब यहाँ से अराउंड 35-40 किलोमीटर्स बचा है, मतलब 40 से कम ही है, 35-36 होगा आई गेस। यहाँ से बागनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है वो है 36 किलोमीटर, और ये एक पास टाइप का पड़ता है, और इस इलाके में ठंडा बहुत होता है, भयानक ठंडा होता है। आजकल तो थोड़ा अभी मौसम अब गर्मियों का है ना, मतलब इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। सो जी मेरे को रास्ते में देखो ये लोकेशन देखी कितनी प्यारी लग रही भाई, खेत वगैरह ना एकदम ग्रीन हो रहे हैं, और उधर साइड बादल वगैरह लगे, तो मैं रुक गया, मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं। और उधर साइड जो है ना लास्ट में इधर वाले में हिमालयाज हैं, लेकिन आज शायद ऐसा लग रहा है मौसम खराब है वहाँ, तो अभी विजिबल नहीं है, बट ये देखो कितना सही लग रहा है खेत वगैरह। तो जी फाइनली हम हो गए बागेश्वर में एंटर, और देखो क्या खूबसूरत नदी दिख रही है, ये एक्चुअली सरयू और गोमती का संगम है, ये पीछे मिलती हैं तो ये जाती है नीचे को, और अभी चलते हैं घर को फटाफट, और देखिए कितनी प्यारी लग रही लोकेशन। यही रोड जाती है कपकोट भराड़ी, जो उसके आगे पड़ते हैं गाँव, और हमने कल वहीं को जाना है तो, और यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर देखिए 85 कुछ किलोमीटर्स है, तो मतलब यहाँ से कम पड़ता है, बहुत ही 60 किलोमीटर अराउंड रोड ट्रिप है, और बाकी फिर पैदल ट्रैक, तो जल्दी हम वहाँ भी जाने वाले हैं, और कल भी हम आधा उसी रूट पे जाने वाले हैं पिंडारी ग्लेशियर वाले रूट पे। तो आपने ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बहुत ही खूबसूरत ये सीरीज़ होने जा रही है, तो ज़रूर देखिएगा। तो जी आगे हम गोमती पुल पे, ये नदी गाँव का रास्ता आता है और ये जाता है हमारे घर को, और ये जो नीचे नदी जो दिख रही है आपको ये वाली, ये गोमती नदी है, और यहीं पर नीचे बागनाथ धाम पे ये मिलती है सरयू नदी से, जो वो देख रहे थे आप वो गोमती नदी थी, और ये जो मेरे भी राइट साइड में है इस तरफ वाली ये है सरयू नदी, यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये सरयू नदी है, और बस मेरा घर यहीं पर आ गया। तो जी फाइनली पहुँच गए घर, और यहाँ लगाएंगे बाइक, गए थे बागेश्वर, और बागेश्वर आने के बाद फिर हमने लंच वगैरह किया, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, फिर अभी हम शाम को बागनाथ बाबा की आरती देखने आ गए, ये क्लिप देख रहे होंगे आप यहाँ पर, तो आरती हो रही थी, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं बागनाथ मंदिर में घूमने अंदर, और यहाँ पर शिव जी की मूर्ति भी है, इसको भी देखिएगा बहुत प्यारी बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। जी एक स्टैचू ये बनाया हुआ है यहाँ पर, एक्चुअली पत्थर है, पत्थर पे पेंटिंग हुई है यहाँ पर, तो अभी जब इस बार उत्तरायणी का मेला हुआ था ना यहाँ पर जनवरी में, तो उस टाइम पे पेंटिंग वगैरह चल रही थी, और जितनी सारी ये जो पेंटिंग्स जो देख रहे हैं आप ये पीछे वॉल पे, तो ये सब इसी बार हुआ है, और बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था बागनाथ, हम उस टाइम पे आ नहीं पाए थे यहाँ पर। हम आ गए दर्शन करके बागनाथ जी के, और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा बोर्ड लगा है आई लव बागेश्वर, तो यहाँ पर फोटो वगैरह खिंचा रहे थे, अब चल रहे हैं घर को।